भजन संहिता 21 विजय प्राप्ति पर स्तुति गान। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसको मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उसके मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगायुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसके वैभव और ईश्वर से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह अब कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिने हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुंह के समक उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उसको भस्म कर डालेगी। तू उनको फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्तियां निकाली है जिससे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपने धनुष से उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ करके दिखा कर भागेंगे। हे यहोवा अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति का सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उसको छुड़ाया, वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरे ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और यह करते हुए सिर हिलाते हैं। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उनको उबारे, क्योंकि वह उनसे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा करना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से साहों ने मुझे घेर लिया है, बसांत के बलवंत झाड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने के सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वे मेरे देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिठरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली में चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डी गिन सकता हूँ, वे मुझे दिखते हैं और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा तू दूर ना रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजों से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांपों के सिंगों से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवाइयों, उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना
और ना उसकी घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्रण को उसके भय रखने वाले सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा खोजी है उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सदा जीवित रहें, पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसको उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति की सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा का ही है और सब जातियां पर प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं वे अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसी ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के हम सबको आशीष प्रदान करे, सबको जय मसीह के। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष प्राप्त कर सके। आमीन।